अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। आज की ये वाली वीडियो आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और ये जो क्लच आपका भाई करने वाला है ना, नो वेस्ट करने वाला है, वो भी उजी और एसकेएस के साथ। अभी मेरे पास यहाँ पर उजी थी, ऊपर आता हूँ यहाँ पर लेवल 2 हेलमेट मिल जाता है, एंड साथ ही यहाँ पर मेरे पास एसकेएस होती है पहले से। अब ये चार बंदे आपके भाई के ऊपर पुश कराने की सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा बिल्कुल सामने सीढ़ियों पर बैठा था, एंड एक बंदा नीचे था, और एक बंदा लेफ्ट साइड से घेरा डालने की सोच रहा था। मैंने कहा चलो रश करते हैं। अरे भाई भाई, ये बंदा तो मशीन गन लेकर आ गया। अब तीसरा बंदा इनका बिल्कुल सामने से आता है, उससे पहले मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, एंड अभी देखना मेरा एमओ जो है खत्म होने वाला उजी में। अब तीसरा बंदा काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए मैंने एसकेएस के साथ पुश कर दिया, एंड अभी लास्ट बंदा बचा और मेरे हाथ में एसकेएस। तो यार यहाँ पर मुश्किल ये थी, आपके भाई के पास वेस्ट नहीं थी, कोई अच्छी गन भी नहीं थी। आते हमारे अगले क्लच के ऊपर, एंड ये क्लच होने वाला है मिथिक क्वेश्चन कार्ड के ऊपर। हाँ, ये बेचारा यहाँ पर रीलोड करने लग गया। अब इसका दूसरा बंदा बिल्कुल सामने था, मैं फ्री फायर ट्राई करता हूँ बट कुछ नहीं होता यहाँ पर। सोचता हूँ नेट करते हैं, शायद नेट से बंदा चला जाए। भाई कैसे कैसे बच गया यार ये। अब ये बंदा यहाँ पर इतने में रिवाइव हो जाता है जब तक मैं पिछली साइड से जाता हूँ, तो इनसे दोबारा फाइट होने वाली है। अब यहाँ पर इनका तीसरा बंदा भी दूर से आ चुका था बिल्कुल मेरे सामने, एंड अभी यहाँ पर इनको नॉक करना जरूरी था, नहीं तो ये बंदे घेरा डाल लेते। तो मैंने कहा चलो इस बार नेट ट्राई करते, इस बार तो इंशाल्लाह जाएगा ये। बूम, भाई कैसे बच गया यार ये। अब भाई ये बंदा जो है ना काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ये यल्ला हबीबी गो टू लोबी माय फ्रेंड। भाई लास्ट वाला बंदा क्या ही गलत लेट गया, प्रैंक हो गया बेचारे के साथ। आते हमारे अगले क्लच के ऊपर, एंड ये 1v3 भी यहीं पर होने वाला, सेम जगह पर। अब इन अरबियों ने यहाँ पर मौली गिराई, मौली से तो मैं बच गया, अब देखो क्या होता आगे। अरे भाई मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, प्लीज भाई रश मत करो यार, कितनी मौलियां करते हैं लोग। भाई जब खामोशी होती है ना तो समझ जाओ नेट जब मौली आने वाला है। खैर आप एचपी लो हो चुकी थी। अब ये बंदे यहाँ पर राइट लेफ्ट से घिरने की सोच रहे हैं। अब पता नहीं इस अरबी ने आल के ऊपर क्या बोला। खैर यहाँ पर ये दो थे, अब इनका जो तीसरा बंदा था दूर से आ रहा था, तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर चलते हैं। अब ये बंदा बड़े मजे से खड़ा था, सोच रहा था मैं इसके ऊपर पुश करूंगा, लेकिन देखो आपका भाई यहाँ पर करता है स्मोक वाली ट्रिक, उसको लगता है नेड है। हाँ, ये यल्ला हबीबी जाकर खाओ आलू गोभी। अब ये टाइटल आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो ये कुवैत का नंबर 1 टाइटल लियो इसने। ये टाइटल शायद से ज़्यादा डैमेज देने पर ही मिलता है। तो इस बंदे के साथ आपके भाई की होने वाली है 1v1 फाइट, क्योंकि इसकी जो स्कार थी पहले किसी और से मर चुकी थी, तो यहाँ पर ये लास्ट बंदा बचा था।
ओ भाई साहब, ये वो बंदा था जिसने ना कुवैत में सबसे ज्यादा डैमेज दिया हुआ था, मतलब अच्छा प्लेयर था। खैर आते हमारे 1v4 विकेंडी के ऊपर। अब आपका भाई यहाँ पर गाड़ी लेकर आता है एंड तीन फ्लेयर ड्रॉप गिर रहे होते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर शायद से दो टीमें होती हैं एंड सामने मुझे फ्री का किल मिलता है तो मैं उसको लगे हाथ उठा लेता हूँ। अब दो बंदे यहाँ पर मैंने नॉक कर दिए थे, सोचा गन को रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद जब मैं पुश कराता हूँ ना तो ये दो बंदे आप लोग देखो कितने हैवी हैं। जोड़ भाई जोड़, क्या रिफ्लेक्स मारा है इस बंदे ने। मैंने सोचा किट लगाते हैं, देखो। ओ भाई साहब मजा आ गया यार। अगर आपको ये ग्लच पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार देना, न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड यार आपका भाई आजकल थोड़ा बहुत ना विकेंडी खेल रहा है, आप यहाँ पर भी आपके भाई की हैवी फाइट होने वाली है। सीन देखो, सो गाइस मैं विकेंडी इसलिए खेल रहा हूँ, रंगल में कुछ खास लोबी दिन के टाइम पे नहीं मिलती, मुझे रात को जागना पड़ता अगर मैं रंगल में क्लचेस करूँ तो, इसलिए मैं ये खेल लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके भाई ने एक बंदा नॉक कर दिया था, मैंने कहा चलो पुश करते हैं। एंड भाई साहब ये वाला पुश ना बहुत ज़्यादा हैवी पुश होने वाला है, मतलब आपका भाई ना स्मोक के अंदर बंदों को पहले तो फ्री फायर वगैरह देगा। सीन देखो, अब ये दो बंदे अगर भी पुश नहीं कर रहे थे मेरे दिमाग की थोड़ी सी दही हो जाती है। मैंने कहा भाई फुल एनर्जी में रश करते हैं, देखी जाएगी। ये यल्ला हबीबी गो टू लोबी माय फ्रेंड्स। सो गाइस यहाँ पर आपके भाई का एक क्लच है विकेंडी में मिस होता है, मैंने टिकटॉक पर भी ये पोस्ट कर दिया था, तो देखो यहाँ पर लास्ट में कैसे मिस होता है क्लच। ओ भाई यार इस बंदे ने यहाँ पर दरवाजा तोड़ दिया, अगर दरवाजा ना टूटता ना तो शायद मैं ले जाता इसको एंड हैवी 1v4 हो जाता। सो गाइस रंगल खेल खेल के ना मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था, इवेंट के बगैर मज़ा नहीं आता। आपको भी शायद ऐसा फील हुआ हो, अगर फील हुआ तो कमेंट करके बताना। बाकी यार इवेंट कल परसों तक आ जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।